तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भाई आप लोग फास्ट मूवमेंट कैसे कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी जो मूवमेंट है कितनी फास्ट है, कोई भी लॉक की प्रॉब्लम नहीं आ रही है और कितना स्मूथ रन हो पा रहा है। तो यार आज की वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाई आप भी फास्ट मूवमेंट कैसे कर सकते हो, बिल्कुल फास्ट मूवमेंट। मैंने जिगल भी ऊपर वीडियो बनाई है तो आपको आई बटन मिल जाएगी, देख लेना। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी मूवमेंट जो है कितनी स्मूथ हो रही है, कोई भी लॉक की प्रॉब्लम नहीं आ रही है भाई। मूवमेंट मेरी आप देख सकते हो कितनी फास्ट है। अब ये देखो जिगल तो सिंपल है, आपने जॉयस्टिक को लेफ्ट राइट करोगे तो आपका जो है वो जिगल होगा। क्राउच के साथ आप देखोगे तो आपका मूवमेंट जो फास्ट होगा और भाई आप सही से खेल पाओगे, स्क्वाट क्लच कर पाओगे। तो अभी आप लोग मूवमेंट मेरी देख चुके हो, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अभी देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, मेरी मूवमेंट कितनी फास्ट है आप लोग देख सकते हो। तो आप भी अगर ऐसी मूवमेंट करने चाहते हो तो आप वीडियो को लास्ट तक देख लेना आप लोग। और भाई आपको बता दो चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम भी लोग सब्सक्राइब करोगे तो भाई आगे भी वीडियो बनाऊंगा मैं और आप लोग को ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना के देता रहूँगा, तो सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। तो यार देखो आपको मूवमेंट करने के लिए, फास्ट मूवमेंट करने के लिए कुछ तो आपको करना होगा। आपकी जॉयस्टिक की साइड भी मैटर करती है कि जॉयस्टिक की साइज़ कितनी है, आप फास्ट मूव कर पाओगे। जॉयस्टिक की साइज़ भी आपको सही रखना होगा। भैया सामने वाले इसको देख सकते हो तो इस पर मैं देखो अभी चलाता हूँ। तो आपको देखो जिगल के साथ आपको अपना एम भी परफेक्ट रखना है। तो सबसे पहले तो देखो आप फास्ट मूवमेंट कैसे कर सकते हो, आपको सबसे पहले सेटिंग्स पे जाना है, उसके बाद कंट्रोल पे जाना है। कंट्रोल पे देखो आपको सेटिंग्स पे, उसके बाद कंट्रोल पे और यहाँ पर कस्टमाइज भी चलते हैं। और ये देखो सबसे पहले तो क्या मैटर करता है, देखो जो ये स्प्रिंट वाला बटन है, देखो कई सारे लोग क्या करते हैं इसे एकदम नीचे रखते हैं, ये हो गया। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा अगर आप करोगे तो आपकी मूवमेंट जो लॉक हो जाएगी और मूवमेंट लॉक की वजह से आप मर जाओगे, बंदे को मार नहीं पाओगे। तो आपकी जो है वो मूवमेंट लॉक हो जाए अगर आप इसे एकदम नीचे रखते हो। तो अब देखो करना क्या आपको, बिल्कुल सा यहाँ पर सिंपल सा है कि आपको एकदम ऊपर कर देना है स्प्रिंट वाले बटन को, इसको एकदम जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर कर देना है, जिससे कि आपकी जो मूवमेंट है भाई वो बिल्कुल भी लॉक की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी मूवमेंट जो है वो फास्ट होगी बिल्कुल। कई सारे लोग गलती करते हैं भाई, इसे यहाँ पर एकदम रख देते हैं जॉयस्टिक के साथ में, एकदम रखते हैं जॉयस्टिक के थोड़ा ऊपर रख देते हैं, जिससे कि उनका मूवमेंट जो है वो लॉक हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको एकदम ऊपर कर देना है, जितना ऊपर हो सके एकदम ऊपर करके सेव कर देना है। अब उसके बाद देखो क्या करना है, दूसरी बात आपको क्या करना है भाई, आपका जॉयस्टिक का साइज़ जो है कई सारे लोग क्या करते हैं बड़ा रख देते हैं, ऐसा रख देते हैं ऐसा रख देते हैं, तो ऐसा भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जॉयस्टिक का साइज़ बड़ा रखोगे तो आप जिगल तो दे लोगे लेकिन जो आपकी मूवमेंट है वो फास्ट नहीं हो पाएगी। देखो लेफ्ट राइट करोगे आपका जिगल तो होगा जॉयस्टिक को और आपकी मूवमेंट जो है फास्ट नहीं होगी। तो आपको जिगल का भी साइज़ भी आपको सही रखना है, यानी कि जिगल का साइज़ आपको कुछ रखना है, आप 90 रख सकते हो या फिर 80, 85 से 90 आप रख सकते हो, मैं तो 90 रखता हूँ, 90 रखता हूँ मैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। तो आप भी इतना रख सकते हो जितना मैं रखा हूँ, भाई बेस्ट साइज़ है, इतना अगर आप रखोगे तो आपकी जो मूवमेंट है वो फास्ट होगी। आप देखो बड़ा कई सारे लोग बड़ा रख देते हैं जिससे कि उनका मूवमेंट नहीं हो पाता, तो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, आपको साइज़ इतना ही रखना है जितना मैंने रखा है, 90 या 95 इतना रख सकते हो आप लोग। और उसके बाद देखो इतना साइज़ आपको, दो बातें मैंने आपको बता दी, एक तो स्प्रिंट वाला बटन आपको एकदम ऊपर रखना है, आपको नीचे नहीं करना है, और ये आपका जॉयस्टिक का साइज़, ये दोनों चीज़ आपको ऐसे रखने हैं, आपको एकदम बड़ा भी जॉयस्टिक का साइज़ नहीं रखना है, 90 या 95 आप लोग रख सकते हो। और उसके बाद आपकी मूवमेंट जो है भाई अगर आप करोगे बिल्कुल भी लॉक की प्रॉब्लम नहीं आएगी और भाई आपकी मूवमेंट जो है वो एकदम फास्ट होगी, अभी आप लोग देख सकते हो। और भाई जिगल के साथ आप लोग को मैंने बताया कि आपको एम भी परफेक्ट रखना है, कि आपका एम भी सही रहेगा तो आप बंदे को आसानी से मार सकते हो। तो अभी आप लोग देख सकते हो भाई मेरा जो मूवमेंट है वो बिल्कुल भी लॉक नहीं हो रहा है, देख सकते हो और कितना स्मूथ मूवमेंट हो रहा है। और भाई वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करोगे भाई आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा मैं। अभी आप लोग मूवमेंट तो मेरी देख ही सकते हो, बिल्कुल भी लॉक की प्रॉब्लम नहीं आ रही है और भाई आप सही से खेल पाओगे, BGMI हो या फिर PUBG हो। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो ऐसे ही पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लेना भाई सारी वीडियो को देखना आप लोग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कोई ऐसा ट्रिक लेकर, और गेम प्ले आप लोग देख लेना, अभी मैं बाद में थोड़ा गेम प्ले भी डालूंगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना।